चलिए, तो किसी की डिमांड थी कि हम एक ऐसा फोटो का एक्शन बनाएं जो 8 फोटो हो और एग्जैक्ट 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ हो और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो आपको बताया है, आप महज एक क्लिक दो क्लिक में ही आप इस तरह की फ़ोटो से, जिसका बैकग्राउंड भी नहीं है, और इस तरह से आप कोई भी कलर का बैकग्राउंड बना के इस इमेज को आप एक क्लिक में 8 फोटो में बना सकते हो। इसमें आपको थोड़े से स्टेप फॉलो करने हैं, आपको फोटोशॉप में कोई इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं करना है, एक क्लिक में ही बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा और एक क्लिक में ही आप इस तरह का 8 फोटो एक साथ बना सकते हैं। जितना फोटो बनाना है उतना भी बना सकते हैं, हम आपको 8 का एक केवल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप हमें क्या फॉलो करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, मान के चलते हमारे पास ये फोटो है, ठीक है, ये फोटो है। अब फोटोशॉप में अगर आप बाय मैनुअल आप एक एक करके, जैसे हमने पहले बताया था कई बार कि अगर आप इस तरह से बैकग्राउंड करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस तरह से करोगे और आप एग्जैक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर अगर आपको नाम बस याद रहे tucom.in, इसको आपको ओपन करना है और अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा है BE रिमूव, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, जो ऐड है इसको क्लोज कर देना है। जैसे सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे और यहाँ पर आपको सीधा ये स्टार्ट फ्रॉम फोटो का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपके पास यहाँ पे भी उस फोटो है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये बैकग्राउंड नहीं है इसमें, जैसे हमारे पास ये है, हम इस फोटो को ला कर यहाँ पर छोड़ देंगे और कुछ ही सेकंड का वेट करेंगे। आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ऐसा बैकग्राउंड हट जाएगा जैसा आप हाथ से भी बाय मैनुअल फोटो में नहीं, फोटोशॉप में नहीं हटा सकते। ये देखिए, ये हो गया और यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे, फुल अच्छी क्वालिटी में ये डाउनलोड होगा। तो जो फोटो हमारी डाउनलोड हुई है, ये देखिए हमारे पास ये डाउनलोड होकर इस तरह की आ गई। अब सिंपली इसको हमें फोटोशॉप में करना है ओपन, ठीक है, इस तरह की। अब इसको हम हटा देंगे फोटोशॉप में, हमें ये फाइल देखी, अभी हमने बैकग्राउंड ऑटोमेटिक किया है एक क्लिक में, ये हो गया बैकग्राउंड, ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप कलर का है तो कलर देखिए यहाँ से हम बना के नहीं दे सकते, देख क्यों नहीं सकते, पर वो आपकी फ़ोटो में कितना कलर देना है ये फोटोशॉप एक्सेल को पता नहीं रहता। तो आप सिंपली क्या कीजिए, बहुत ही आसान है, आप कलर बनाने वाला पहले बता तो क्लिक, इसमें भी हम आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत आसान स्टेप में आपको कलर बनाना है, कंट्रोल और एम बटन प्रेस कीजिए तो आपके सामने ये कर्व आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो प्लस का साइन है, माउस का बटन दबा के रखना है और आगे थोड़ा सा बढ़ाना है। तो देखिए ये पूरा का पूरा कर्व आपका बढ़ रहा है, बढ़िया फोटो इतनी आसानी से बन जाएगी। अब कई बार क्या होता है, आपकी फ़ोटो में कई अगर रेड रेड कलर है ज़्यादा फोटो में तो उसको कम कैसे करना है, या येलो है तो उसको कम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, इसके लिए आपको कंट्रोल और बी बटन को प्रेस करना है तो आपके सामने कलर बैलेंस आ जाएगा। अब देखिए रेड किसका रहता है, ये देखिए ये रेड है मान के चलते हैं, तो कंट्रोल जब भी दबाएंगे तो हमें है ना, जैसे मान के चलते हैं ये हमारा 0 पे है यहाँ पर और इतना रेड है, तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे इस तरफ आएंगे तो देखेंगे कि जो रेड होगा वो आपका सैन में बदलेगा। तो जैसे मान के चलते हमारा रेड था तो हम उल्टी तरफ जाएंगे तो ये देखिए हमारा इस तरह से बढ़ता। अब किसी किसी का ज़्यादा ऐसा ग्रीन रहता है तो अगर इस तरफ पीछे की तरफ जाएंगे तो वो एग्जैक्ट इस तरह का बनता जाता है। तो अब अभी किसी का जैसे हम खेलते हैं पीला था इतना ज़्यादा, तो वो पीछे की तरफ जाएंगे इस तरह से तो ब्लू होगा। तो ऐसे हम फोटो का जो कलर है वो बनाते हैं। अब अगर हमें इसमें सडनली कुछ लाइट देनी है तो हम कंट्रोल और एल बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल और एल, और इस तरह से हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है हालांकि, लेकिन हमने बता दिया। फाइनली एक और स्टेप रह जाता है, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और जैसे मन खेलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है, यहाँ पर भी थोड़ा ब्लैक ब्लैक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर देख लीजिए ये डॉस टूल कहलाता है, इसे आप देख लीजिए ये डॉस टूल है, इसको हम क्लिक करेंगे एक बार हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसका ब्रश साइज देख लेंगे और यहाँ पर हम इसको थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक था ये हट रहा है, और उससे पहले आपको याद रखना है आपका ज़्यादा हाइट हो रहा होगा तो यहाँ से एक्सपोजर आपको 50% या फिर और कम करके रखना है, जितना आपको सूटेबल लगे। और यहाँ पर है तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर भी हटा दिया हमने, और अगर यहाँ पर भी हमें लग रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर भी चला दीजिए, और नहीं यहाँ पर लग रहा है तो थोड़ा सा वो एक्सपोजर जो लिखा है यहाँ पर हम कम करके थोड़ा सा करेंगे ताकि हमें ज़्यादा समझ में ना आए और हो भी जाए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमने इस तरह से ये हमने वाइट वाइट कर लिया, जहाँ पर ब्लैक दाग थे वो हमने इसको इस तरह से रिटच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से आपकी लगभग लगभग फ़ोटो बन गई, प्रोफेशनल टाइप की एक फ़ोटो बन गई, ठीक है, ओके। अभी हमें क्या करना है, एक क्लिक में ही इसको आर्ट बनाना है। तो देखिए
हमने यहाँ पर एक क्लिक किया और आपकी जो फ़ोटो थी, अभी बैकग्राउंड नहीं था लेकिन आपकी जो फ़ोटो है, आठ फोटो इस तरह की प्रोफेशनल तरीके से बन जाती हैं इस तरह से, देख लीजिए। अब ये एक्शन कहाँ से मिलेगा ये आपको बता दें, फ्री एक्शन, याद रखिए फ्री है इसका एक्शन, पैसा नहीं लगेगा इसमें। एक्शन कहाँ से डाउनलोड करना है, पहले हम सबसे सब चीज़ को बंद कर दें और ठीक है हम चलते हैं इसमें tucom.in पर ही चलना है, ठीक है। जो होम है, होम पे हम वापस आ जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए ये लिखा है 3.5 सेंटीमीटर वाई 4.5 सेंटीमीटर फ़ोटो, ये वाला है ठीक है, आठ फोटो के लिए। और भी आपको फ़ोटो चाहिए तो देखिए आप क्या करिए, थोड़े सा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए कैटेगरी में, यहाँ पर देखिए फ़ोटो एक्शन लगा, फ़ोटो एक्शन पर आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे कि ढेर सारे फ़ोटो एक्शन आपको मिल जाएंगे, देखिए ये आठ फ़ोटो चाहिए आपको इस साइज में लिखा है, ये चार फ़ोटो चाहिए या फिर कम साइज फ़ोटो चाहिए और आएंगे तो ये देखिए इस तरह की 6 फ़ोटो, 12 फ़ोटो, और देखिए ये भी 8 फ़ोटो, ये 4x6 फ़ोटो, ये 12 फ़ोटो। तो इस तरह से आप ये एक्शन को भी, कोई भी मतलब एक्शन को लोड कर सकते हैं। हालांकि हमने जो बताया अभी हम उसको बताएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं ठीक है, और थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिल रहा है डाउनलोड एक्शन फ्री, तो हम डाउनलोड एक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे और जैसे हम इस पर आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सर्वर के हिसाब से टाइम चलेगा, जितना भी टाइम होगा। तो जैसे 110 सेकंड पूरा होता है तो आपके फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ पर आप इसका डाउनलोडिंग ऑप्शन होगा वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये डाउनलोड था, देखिए इस तरह का डाउनलोड हमारे पास ये है एक्शन। अभी इसको हम लोड कैसे करते हैं, फोटोशॉप में यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है अभी कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जाना हमें विंडो में, आपके कंप्यूटर में विंडो पर हम क्लिक करेंगे, फिर थोड़े से नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है एक्शंस, देखिए ये लिखा है एक्शंस, एक्शंस पर हम कर देंगे क्लिक। जैसे हम एक्शंस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का, ध्यान से देखिए हमारे पास बहुत सारे एक्शन है इसीलिए ऐसा दिख रहा है आपको, केवल बीचों बीच ये दिखेगा एक्शन, या हो सकता है आपको इतने सारी ये सारी चीज़ें दिखे तो आपको ये एरो है यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा इस तरह से, या फिर अब क्या है तो फर्स्ट टाइम एक्शन यूज़ कर रहे हैं तो जो डिफ़ॉल्ट एक्शन .atn लिखा है इसको सेलेक्ट करके और नीचे अगर आएंगे जो डिलीट दिख रहा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे ताकि वो हमें परेशान ना करे, ठीक है। अब ये एक्शन का विंडो आ गया, अब आपको एक्शन लोड करना है तो क्या करेंगे, दो तरीके होते हैं एक्शन लोड करने के, आपका जहाँ एक्शन डाउनलोड है ये वाला, इसको उठा कर लाइए, फोटोशॉप में लाइए, यहाँ पर ला के छोड़ दीजिए, ये देखिए आपका एक्शन लोड हो गया। अच्छा कई बार ये होता है कि ये सब कुछ इकट्ठा आ जाता है, तो हम जो एरो है थोड़ा सा यहाँ पर कर देंगे तो ये बस हमें बचेगा, क्योंकि हमें प्रिंट टू कम डॉट इन पर और फिर इस प्ले पर क्लिक करना है तो हमारा एक्शन प्ले हो जाएगा। एक तो तरीका ये है लोड करने का, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एरो के साथ दिख रहे होंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फिर नीचे आएंगे तो नीचे चलते आएंगे जहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोड एक्शंस का, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमसे फोल्डर मांगेगा कि आपका किस फोल्डर में एक्शन डाला हुआ है, तो जिस भी फोल्डर में आपका एक्शन डाला हुआ है वहाँ से आपको क्लिक करके वो एक्शन लोड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस फोल्डर में एक्शन डाला है हम उस फोल्डर पर चलते हैं, ये देखिए ये एक्शन डाला है, इसको हमने क्लिक किया और लोड जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है लोड पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोड पर क्लिक कर देंगे ये देखिए फिर से लोड हो गया, ये हमारे पास एक और लोड हो गया, तो यहाँ पर हम एरो पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर और फिर हम प्रिंट टू कम डॉट इन पर क्लिक करेंगे, वो क्लिक कर देंगे फोटो ओपन करने के बाद। तो जो हमने बैकग्राउंड अभी हटाया है फोटो का, जैसे हमारे पास ये देखिए बैकग्राउंड हटा के फोटो हमने लाए हैं यहाँ पर, अब ओपन करेंगे और इसकी हमें साइज वगैरह कुछ नहीं मिलाना, याद रखना साइज वगैरह कुछ नहीं मिलाना, बस अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका दायां बाजू से यहाँ वहाँ से काटना है तो बस केवल और केवल आपको यहाँ से क्रॉप करना हो, जैसे ये हम इतना फ़ोटो चाहते हैं या हैंड हमें ये इतना चाहिए ऐसा, तो केवल आपको इतना क्रॉप करना है, साइज नहीं मिलाना, साइज ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अभी प्रिंट टू कम डॉट इन पर हमने क्लिक कर लिया और इस प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर ये आपको ना मिले प्रिंट टू कम डॉट इन तो याद रखिए इस तरह का एरो पे छुपा होगा, तो जो एरो है ना इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर इस पे हमें क्लिक करना है और इस प्ले वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। अब देखेंगे कि आपका एक्शन कुछ ही सेकंड में, आपकी कितनी फ़ोटो थी, 4x8 फोटो धड़ाधड़ के तैयार कर दी। इस प्रकार से आप जितनी भी फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो बनाना चाहते हैं, हमने पहले बताया कि हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे एक्शन पड़े हुए हैं, आप यहाँ पर आके इनमें से कोई भी एक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखिए जो हमने आपको बताया था अगर डाउनलोड ना हो तो ये 0 सेकंड होने के बाद में यहाँ पर हमें क्लिक करना होता है, तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखिए ये हो गया इस तरह से डाउनलोड, ठीक है। तो आपको ढेर सारे एक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे हमने बताया था ये देखिए एक्शन ही एक्शन डले हुए हैं फोटो के, और भी एक्शन मिलेंगे, अगर और भी आपको यूज़फुल चाहिए तो वो भी एक्शन आपको
मिलेंगे। तो देखिए हमने सारी चीज़ें बता दी हैं, इस प्रकार से आप इस तरह के एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो आपके लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।